डकैती, लूट, चोरी व अन्य अपराधों में लिप्त 25,000 का शातिर बदमाश को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम शिवानंद चौबे है, जो कि कासी साथ थाना जिला आजमगढ़ का निवासी है। अभियुक्त पर पहले से ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। के निर्देशन में और सी पॉइंट के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कोलावार ने एक बहुत तेज शातिर और दुर्दांत अपराधी जिसके 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया, गिरफ्तार किया है। कब नौका पी सी उसी संदर्भ में उसने इस अपराधी ने जिसका नाम शिवानंद चौबे सोनू चौबे आने वाला आजमगढ़ जिले का जानागंज का वर्ष 2016 में जुलाई के महीने में अपने साथियों के साथ नेशनल हाईवे पर एक ट्रक जिसमें चाय बनी हुई थी, चाय की पत्तियां बनी हुई थी, उसको घूमता था। स्कॉर्पियो से ट्रक को ओवरटेक कर और बाद में ट्रक चाय की पत्ती के साथ घंटा थाने बरामद हुई थी। कुछ अपराधी गिरफ्तार किए गए। ये अपराधी 2016 से लगातार फरार चल रहा है, इसकी गिरफ्तारी की गई। और साथ साथ इन लोगों ने इलाहाबाद जिले में थाना फूलपुर में भी एक सरिया से भरी हुई ट्रक को लूटा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई थी और गंगेश रेट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना फूलपुर इलाहाबाद में। ये उसमें भी वांछित चल रहा है। इस समय दो हीनियस क्राइम में वांटेड था, थाना कोलावार से डकैती के मुकदमे में और इलाहाबाद के थाना फूलपुर से गंगेश रेट में वांछित था। कितने लोग और इसके साथ एक शातिर अपराधियों की गैंग है और ये उस गैंग का सदस्य है। इसके साथ चंदौली के गाजीपुर के अपराधी ये लोग रेकी करते हैं। इसके बाद ट्रकों को लूटते इन लोगों ने रेकी किया था। उस ट्रक के बारे में पता किया तो उसमें चाय की पत्ती आ रही। नेशनल हाईवे पे इन लोगों ने स्कॉर्पियो से ट्रक को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ट्रक को रोकने के बाद उसके ट्रक के ड्राइवर को बंधक बना के पास के खेत में फेंक दिया था और ट्रक लूट के फरार हो गए थे। इनके गैंग के लोग अच्छी तरह से ट्रक चलाना भी जानते हैं और वे ड्राइविंग सीट पर बैठ के ट्रक को लेकर फरार हो गए। कितने सदस्य हैं इनके गैंग में अभी तक? लगभग 7-8 हैं और ये आपराधिक वारदात करके इसमें बदल लेते हैं अपने सदस्यों को। हाईवे पे लूट करते हैं और कहीं उसमें कुछ सदस्य नहीं हो गए। हाईवे पे लूट करते हैं और कहीं ये हाईवे पर भी लूट करते हैं और कैश लूट भी करते हैं।